शहर रात भर रहती है हमारी पैनी नजर, क्योंकि हम हैं नाइट स्क्वाड। पीसीआर वैन पर है हमारी नजर, क्योंकि हम हैं नाइट स्क्वाड। सुरक्षित रहें आप, क्योंकि हम हैं सतर्क। अगर मुसीबत में हो आप, तो नाइट स्क्वाड है आपके साथ। हमें इस नंबर पर आप करें संपर्क। जी हाँ, इस वक्त समय हो रहे हैं 11:04 और मौसम का जो तापमान है ठंड है, कल इससे ज्यादा ठंडी और आज जो थोड़ी ठंड हल्की कम है। और आज हम खड़े हैं सदर अस्पताल। जी हम रांची के सदर अस्पताल में खड़े हैं इस वक्त, और आज यहाँ हम पहुँचे हैं रात्रि के समय में, जब कोई मरीज यहाँ आता है तो किस प्रकार से उसे डॉक्टर सहायता प्रदान करते हैं और उसका इलाज करते हैं, और सदर अस्पताल में रात्रि के समय में किन किन सुविधाओं की यहाँ उपलब्धता है, उसके बारे में आज हम आपको बताएंगे। तो आइए हमारे साथ सदर अस्पताल में और जानिए आप भी सदर अस्पताल में क्या क्या फैसिलिटीज हैं, और रात्रि के समय में जब आप आएंगे तो यहाँ पर आपको किन किन प्रकार की सहायता मिल सकती है। तो बनिए हमारे साथ सदर अस्पताल में। जी हाँ, किसी भी अस्पताल की पहली प्रक्रिया शुरू होती है एम्बुलेंस से। तो मेरे ठीक बाएं देख रहे होंगे, ये राष्ट्रीय एम्बुलेंस सेवा है, ये निशुल्क है रात्रि के समय में। और जिस भी व्यक्ति को अगर रात्रि के समय में एम्बुलेंस की आवश्यकता पड़ती है तो पहले वो 108 को ही कॉल करता है, और 108 को कॉल करने के बाद जो है 108 कितना जल्द जो है मरीज के पास पहुंच के उसे सुविधा उपलब्ध कराती है, हम जानेंगे। जो एम्बुलेंस की सेवा देते हैं चालक हैं, इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि रात्रि में कितना जल्द अगर यदि अगर इनसे कोई संपर्क करता है तो उसे सहायता प्रदान करते हैं। आपसे जानना चाहेंगे कि रात्रि के समय में यदि किसी व्यक्ति को निशुल्क एम्बुलेंस की आवश्यकता पड़े तो कितना जल्द आपसे अगर संपर्क वो करे तो आप उसे सहायता प्रदान करते हैं। हम लोग कॉलर से बात करने के बाद लोकेशन के हिसाब से हम लोग बहुत जल्द से जल्द कोशिश करते हैं पार्टी के पास पहुंचने की। मान के चलिए यहाँ से अगर आपको रातू अगर जाना पड़े, रातू से अगर कॉल आ जाए तो कितना जल्द, मतलब वहाँ के लोकल एम्बुलेंस से संपर्क साधा जाएगा या फिर आप ही जाएंगे यहाँ से? वहाँ पे रातू में सीएससी में एम्बुलेंस रहती है, अगर वहाँ की गाड़ी बिजी रहती तो हमारे पास कॉल आता है तो हम लोग यहाँ जाते हैं। रात्रि के समय में रातू के जो हॉस्पिटल है सीएनजी, उसमें एम्बुलेंस की ये निशुल्क सेवा है। हाँ, वहाँ पे। तो वहाँ के अगर नजदीकी में अगर जरूरत पड़ती है तो नजदीकी में वहाँ से भेज दिया जाता है। जी जी, आपके नगड़ी में है, वहाँ से नजदीक पड़ती है, 10-15 मिनट में एम्बुलेंस पहुँच जाएगी वहाँ। अच्छा, जिस भी व्यक्ति को मतलब अपनी दूरी के अनुसार उसे दूरी के हिसाब से हर एक जगह। तो क्या प्रक्रिया होती है, पहली प्रक्रिया क्या होती है अगर कोई संपर्क करे आपसे अगर एम्बुलेंस के लिए, तो क्या प्रक्रिया होती है पहली? पहली प्रक्रिया ये होती है कि 108 में कॉल करने के बाद कॉल सेंटर पे जाती है, कॉल सेंटर से फिर लोकेशन के हिसाब से हम लोग को कॉल मिला जाता है, फिर हम लोग बात करने के बाद हम लोग जब बहुत जल्द कोशिश करते हैं कि जितना लोकेशन किलोमीटर के हिसाब से पड़ता है ना, तो किलोमीटर के हिसाब से पड़ता है, जिसके कारण हम लोग कोशिश करते हैं बहुत जल्द पहुंचने का। रात्रि के समय में जब आप लोग मरीज को लेने के लिए पहुंचते हो तो उस समय क्या आपके साथ में कोई डॉक्टर जाते हैं देखने के लिए पेशेंट को? क्योंकि ऐसा भी होता है कि रिम्स ले जाना है या फिर सदर लाना है, तो कैसे आप लोग डिसाइड करते हैं? हमारे साथ एक EMT रहते हैं जो इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन है, वो देखभाल करते हैं। जी, वहाँ पहुंचने के बाद जो है पेशेंट को देखते हैं। हाँ, और जैसी उसकी कंडीशन होती है उस अनुसार उसे हॉस्पिटल हम लोग ड्रॉप करते हैं। जी, आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम संजीत कुमार गोप हुआ। अच्छा, मैं सदर हॉस्पिटल में निर्गत। चलिए, पहली प्रक्रिया थी सदर अस्पताल की, जहाँ हमने एम्बुलेंस शुरू की है और हम अंदर की ओर बढ़ेंगे। जी हाँ, अब हम खड़े हैं सदर अस्पताल की नवनिर्मित बिल्डिंग, ये 6-मंजिला इमारत बिल्डिंग है, इसमें 6 मंजिले हैं, और मरीजों की सहायता को लेकर मतलब उन्हें
अच्छी तरीके से देखभाल मिल सके और उनकी जो सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए और ज़्यादा से ज़्यादा मरीज यहाँ आकर के इलाज करा सके, अपना इस सरकारी अस्पताल का लाभ उठा सके, इसलिए जो है ये नई बिल्डिंग का निर्माण किया गया था। और हम घुस चुके हैं सदर अस्पताल में, और सदर अस्पताल में आने के क्रम में हमारे इधर दिखाना चाहेंगे कि ये प्रधानमंत्री जन आरोग्य आयुष्मान भारत योजना है जो जी हाँ, जब आप सदर अस्पताल आते हो तो पहले आपको गेट घुसने के साथ में यहाँ पर एक बोर्ड दिखेगा। ये बोर्ड इसलिए टंगा हुआ है कि रात्रि हो या फिर दिन हो, जब कोई व्यक्ति अपना इलाज कराने के लिए यहाँ आता है तो ऐसे में उन्हें रूम खोजने में परेशानी होती है, तो ये उनके सुविधा के लिए ये जो चार्ट बना करके यहाँ टांगा गया है। यहाँ पर हर प्रकार से जो रूम होगा उसका यहाँ पर विवरण दिया हुआ है। यह सदर अस्पताल आते के साथ पहली प्रक्रिया यही होती है कि हमें पर्चा बनवाना पड़ता है। पर्चा बनवा करके जो है यहाँ पर्चा बनवाने के बाद डॉक्टर को ओपीडी में जाकर के दिखाना पड़ता है और ट्रीटमेंट की जो प्रक्रिया होती है शुरू होती है। तो यहाँ हम देख पा रहे हैं कि जो काउंटर में व्यक्ति बैठते हैं वो इस वक्त आ रहे हैं अंदर की ओर, घुस रहे हैं, गए हुए थे। उनसे हम जानने का प्रयास करेंगे कि रात्रि के समय में जब पेशेंट्स आते हैं तो पहली प्रक्रिया क्या होती है, हम इन्हीं से जानने का प्रयास करेंगे। हम आपसे जानना चाहेंगे कि रात्रि के समय में जब कोई पेशेंट आता है तो आप लोग कैसे उसको आगे की ओर बढ़ाते हैं, क्या प्रक्रिया होती है? आ जाइए, थोड़ा सा आगे आ जाइए। पहले रजिस्ट्रेशन करवाता है और जैसा केस रहता है, यदि इमरजेंसी है तो इमरजेंसी में गया, और प्रेगनेंसी केस है तो प्रेगनेंसी विभाग में। अच्छा। और बच्चा का तो पेडियाट्रिशियन विभाग में जाके अपना चिकित्सा। तो रात्रि के समय में ये भी देखा जाता है कि कुछ जांच वाच होता है जो पेशेंट एडमिट रहते हैं, तो जांच वाच होता है तो कितना यहाँ जांच वाच का कितना पैसा वैसा तो कुछ? डिलीवरी केस का तो फ्री होता है। डिलीवरी केस फ्री है? अच्छा। और अदर जो केस है नॉर्मली है तो उन लोग का तो एडमिट है तो उस लोग का वही प्रक्रिया होता है। अच्छा अच्छा। और जैसे जनरली ओपीडी टाइम कराता है तो वो लोग फिर अपना कुछ शुल्क लेके फिर अपना टेस्ट करवाता है। चलिए जी हाँ, सदर अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड के पास हम खड़े हैं और अंदर की ओर हम जाएंगे और अंदर में कितनी दुरुस्तता रहती है डॉक्टर्स की, जब कोई इमरजेंसी पीरियड में कोई मरीज़ आ जाए यहाँ इलाज कराने के लिए, या फिर वो सड़क दुर्घटना हो या फिर कोई गंभीर बीमारी हो, तो कैसे सदर अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में ओपीडी विभाग में डॉक्टर उसे ट्रीट करते हैं और उसे तरीके से ताकि वो सही सलामत हो जाए और अपने घर को जाए। तो डॉक्टर साहब, पहले तो आपका स्वागत है हमारे खबर 365 नाइट स्क्वाड में, और सबसे पहला सवाल आपसे यही रहेगा हमारा कि हम इस वक्त बैठे हुए हैं सदर अस्पताल में हैं और आपसे यही जानना चाहेंगे हम कि रात्रि के समय में इमरजेंसी पीरियड में अगर कोई मरीज आता है तो उसे आप कैसे उपचार देते हैं और कैसे कैसे इमरजेंसी केसेस आते हैं सदर अस्पताल सिविल अस्पताल में? जनरली सभी तरह के केसेस आते हैं और जो भी क्रिटिकल केसेस आते हैं उन्हें, क्योंकि आईसीयू की फैसिलिटी फिलहाल हमारे हॉस्पिटल में नहीं है तो उन्हें हमें रेफर करना पड़ता है, रिम्स रेफर करना पड़ता है। और जो भी और निचले स्तर के जो भी मेरे नॉर्मल बुखार हो गया, लूज मोशन लॉस के भी हो गया, सब लेकर जो भी पेशेंट आते हैं वो पेशेंट यहाँ पर ट्रीट होते हैं। अभी जितने तक अभी गंभीर बीमारियाँ हो रही है, नॉर्मल अगर कुछ कार्डियक प्रॉब्लम ही है तो पेशेंट एडमिट हो रहे हैं और ट्रीट हो रहे हैं यहाँ पर हमारे हॉस्पिटल्स में। और ऐसा नहीं है कि उनको रेफर किया जा रहा है, कुछ किया जा रहा है। हमारा एक कार्डियो विभाग भी शुरू हो गया है, डॉक्टर ए के झा के निगरानी में शुरू हुआ है, उसमें भी अच्छे खासे पेशेंट्स एडमिट हो रहे हैं जो, और इनका ट्रीटमेंट हो रहा है। और चूंकि कैथ लैब वगैरह नहीं है हमारे लिए, तो अगर कुछ एंजियोग्राफी और ये सब करना रहता है तो फिर हमें उन्हें रिम्स रेफर करना पड़ता है और फर्दर मैनेजमेंट ये होता है। पुराना बिल्डिंग भी है बगल में, अभी वो चालू ही है। पुराना बिल्डिंग में कल मेडिसिन ओपीडी चालू है। तो रात्रि के समय में अगर कोई एक्सीडेंट केसेस हो तो यहीं पे आता है, यहीं पर आते हैं। तो ऐसे में ये नई बिल्डिंग बनी है 6 इमारत, तो यहाँ पर कुछ फैसिलिटीज भी बड़ी होंगी? हाँ, फैसिलिटीज बिल्कुल बढ़ी है यहाँ पर, जिस तरह से कुछ इमरजेंसी ड्रग्स जो भी हैं सारे हैं वो अवेलेबल हो गए हैं यहाँ पे। और भी कुछ कोशिश किया जा रहा है कि और भी इसको उस स्तर को सुधारा जाए, तो उस हिसाब से सब कोशिश में लगे ही हुए हैं कि हो जाए सारा चीज़। जो भी अभी बेसिक्स ट्रीटमेंट देने के लिए जो इमरजेंसी इसका होता है वो सुविधा यहाँ प्रदान की जा रही है हमारे हॉस्पिटल में। इसमें एक चीज़ और डॉक्टर साहब आपसे जानना चाहूँगा, सदर अस्पताल को लोग डिलीवरी केसेस के लिए ज़्यादा याद करते हैं,
क्योंकि देखते हैं हम आए दिन की जो गरीब लोग होते हैं, जो पैसे की कमी का भाव होता है, जो सरकारी अस्पताल में कराना चाहते हैं। तो अभी सदर अस्पताल में जो डिलीवरी केसेस हैं कैसे चल रहे हैं? कैसे केसेस भी अच्छे चल रहे हैं, सारे केसेस चल रहे हैं। ऊपर में हमारा गायनी विभाग है ऊपर में, जो कि ट्रैफिक को बहुत ही अच्छे तरीके से देख रहा है और सारे केसेस भी नॉर्मल हो रहे हैं। आयुष्मान की फैसिलिटी भी यहाँ पर है, तो आयुष्मान की फैसिलिटी होने के कारण भी और सारे केसेस भी अच्छे से हो जा रहे हैं। जो दवाइयाँ कुछ दवाइयाँ आयुष्मान के थ्रू भी आ रही हैं, तो दवाइयाँ अच्छी तरह से मुहैया भी हो जा रही है, यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। सर, एक चीज अपने दर्शकों को डॉक्टर साहब के माध्यम से ही बताना चाहेंगे। डॉक्टर साहब, सबसे पहले क्योंकि प्रचार प्रसार से ही लोग सेवा का लाभ सेवा ले सकते हैं सरकारी योजनाओं का, तो आपसे जानना चाहेंगे ये पहली प्रक्रिया क्या होती है सदर अस्पताल में अगर कोई आयुष्मान भारत योजना के तहत अगर आता है? आयुष्मान भारत योजना के तहत अगर हमारे इमरजेंसी में कोई आता है, अगर आयुष्मान का कार्ड उसके पास अवेलेबल होता है, तो हम आयुष्मान के कार्ड के थ्रू भर्ती कराते हैं और फिर उसका सारा प्रोसेस चलता है। जो भी मेडिसिन अवेलेबल हो जाती है वो करवाई जाती है यहाँ पर और उसको ट्रीटमेंट दिया जाता है। ये चीज़ है। चलिए, बहुत अच्छी जानकारी दी है डॉक्टर साहब ने, तो बहुत अच्छी है कि सरकारी अस्पताल में अगर रात्रि के समय में डॉक्टर बैठ रहे हैं, तो ये हमारे जो भाई हमारे दर्शक देख रहे हैं, तो वो देख करके इस शो को कम से कम जाने कि सदर अस्पताल में आए और यहाँ का लाभ आप उठाएं। जी हाँ, अब हम आ चुके हैं पहले तल्ले पे, इस वक्त हम खड़े हैं और ये लेबर वार्ड है, यहाँ पर जो डिलीवरी किस्ट होता है यहाँ पर लाया जाता है रात्रि के समय में, और ऐसे में हम आगे की ओर बढ़ेंगे और जानकारी लेंगे। इससे पहले हम आपको एक सदर अस्पताल का यहाँ पर जो सुविधा यहाँ पर उपलब्ध है, किस तल्ले पर कौन सा सुविधा उपलब्ध है, उसका जानकारी जो यहाँ पर दिया हुआ है। यहाँ जांच घर है, ब्लड बैंक, शौचालय, महिला वार्ड, सभी का इंडिकेशन यहाँ पर दर्शाया गया है, ताकि जब यहाँ मरीज आएंगे तो उन्हें सुविधा होगी कि हम कहाँ पर कौन सा वार्ड है तो वहाँ हम जा सकते हैं। इस वक्त हम सदर अस्पताल के लेबर वार्ड के पास खड़े हैं और रात्रि के समय में ये सदर अस्पताल जो है खास तौर पर डिलीवरी केस के लिए ही जाना जाता है, और रात्रि के समय में बहुत से डिलीवरी केसेस यहाँ आते हैं सरकारी अस्पताल में, इस उम्मीद के साथ कि हम जो है सरकारी अस्पताल जा रहे हैं तो हम सही सलामत और सही उपचार के साथ वापस आएंगे, इसी उम्मीदों के साथ जो यहाँ पर कुछ मरीज आए हुए हैं, डिलीवरी पेशेंट आए हुए हैं, उनके परिजन भी है, उनसे भी जानेंगे कि आज यहाँ पहुँचे, आज आप लोग यहाँ किस लिए आए हुए हैं, इलाज के लिए आए हुए हैं, किस चीज़ के इलाज? बहू आई है। अच्छा, बड़ा प्रशंसा हुआ है। कैसा आपको, मतलब यहाँ सदर अस्पताल में डिलीवरी कराने के लिए आप लोग आते हैं? बहुत अच्छा लगता है। सुविधाएं अभी बहुत अच्छी मिल रही है, अच्छा भी लगा, बहुत अच्छा लगा। यहाँ भी सब मेहनत करने वाला भी है ना। तो आप लोग को रिम्स सदर अस्पताल आके आप लोगों को अच्छा लगता है? कोई दिक्कत नहीं हुआ, बहुत अच्छा हुआ। चलिए चलिए, इसी तरह से सरकारी अस्पताल में रात्रि के समय में अगर विधि व्यवस्था दुरुस्त रहे तो कोई भी लोग अपने आप को छोटा नहीं समझेंगे कि हम सदर अस्पताल आए हुए इलाज कराने। चलिए, सदर अस्पताल के सुरक्षा गार्ड हैं, इनसे जानेंगे कि रात्रि के समय में कितना दुरुस्त रहते हैं। सबसे पहले तो आपका हम नाम जानना चाहेंगे। हमारा नाम आशीष रंजन मिश्रा हुआ। आशीष रंजन मिश्रा जी, रात्रि के समय में यदि अगर किसी पेशेंट को आवश्यकता पड़ती है आप लोगों की हेल्प की, तो कैसे आप उसे हेल्प पहुंचाते हैं? देखिए, जिस तरह का पेशेंट आता है उस तरह से हम लोग हर तरह से चाहते हैं कि उसका काम यहाँ बने, काम बने, और नहीं भी काम बनता है आप मैडम से ही बोल के कम से कम करवाते हैं। और जहाँ तक रहा पीने खाने वाले लोग के बात, तो उन लोग भी सहूलियत से किसी तरह से, अगर कोई इन केस यहाँ पर एक पेशेंट के साथ 15-20 लोग आ गए या फिर किसी प्रकार से हंगामा होगा, तो कैसे उसको टैकल करते हैं आप लोग, क्या प्रक्रिया होती है? यहाँ फोर्स लोग है, यहाँ फोर्स है, यहाँ हाँ, तो ज्यादा अगर स्थिति बिगड़ता है जी जी, तो हमको उन लोगों को बुलाना पड़ता है। अच्छा, उन लोगों को बुलाना पड़ता है, उसके बाद PCR को फोन करते हैं जी जी। तो यहाँ पहले से मतलब बल यहाँ रखा गया? हाँ, रखा गया, ताकि वैसी कोई भी आए तो उससे निपटा जा सके। उसके बाद जो है आप लोगों की थाने की प्रक्रिया होती है जी जी। चलिए, बहुत बड़ी बात इन्होंने बता दी है कि रात्रि के समय में आप भी कभी आए सदर अस्पताल अपने मरीजों को लेकर के इलाज कराने के लिए, तो इसी तरह से गार्ड साहब को मिलेंगे और जब कभी आप समस्या में होंगे तो ये गार्ड साहब की मदद करेंगे। चलिए, सदर अस्पताल में अब आए ही हैं तो आपको खाने पीने की भी जानकारी से अवगत करा दें कि यहाँ अगर आपको खाना खाना है तो
यहाँ तो मरीजों को फ्री में खाना दिया जाता है, और ये मेरे पीछे देख रहे होंगे कि बैनर दिख रहा है, मुख्यमंत्री दाल भात योजना जो है, इसका लाभ जो है आप दिन में इसका उठा सकते हैं, 5 रुपये में यहाँ दाल भात मिलता है। तो ये रही हमारी, अब बाहर की ओर जाएंगे, बाहर में भी देखेंगे कि रात्रि के समय में क्या व्यवस्था रहती है अगर किसी को गर्म पानी की आवश्यकता पड़ जाए मरीजों के। रात्रि के समय में जब कभी आपको कहीं खाने के लिए कुछ ना मिले तो आप मेन रोड फिराहलाल चौक के पास आ सकते हैं, और इस वक्त समय हो रहे हैं 12:30 बजने को है, तो ऐसे में आपको यह भिन्न भिन्न प्रकार से पकवाने मिलेंगे। और क्या क्या मिलेंगी दुकानदारों से ही जानेंगे कि क्या क्या सुविधाएं मिल सकती है रात्रि में, अगर कोई आता है तो क्या क्या सुविधाएं मिल जाती है रात्रि को, अगर कोई खाने के लिए आता है तो क्या क्या मिल जाता है? चाय, गुटखा, ये सब सिगरेट मिल जाता है, अंडा उंडा, ब्रेड ऑमलेट, फुल नाइट। रेट के बारे में कुछ बताएंगे? रेट आपको बता रहे, वाइल अंडा 2 पीस बेचते हैं यहाँ पर, ऑमलेट 30 और ब्रेड ऑमलेट 40, पोस्ट 30, मैगी 40। कितने बजे तक खुलते हैं आप? सुबह 10 बजे तक जी, फुल नाइट, शाम 7 से सुबह 10, पूरी रात सेवा, पूरी रात, पूरी रात जी। यहाँ हमारे दर्शक सुनिए, पूरी रात रहती है, तो ऐसे में अगर आप कहीं भूखे हो तो आप मेन रोड आकर के फिराहलाल पे अपनी भूख को मिटा सकते हो, आपको वहाँ खाने के लिए कुछ ना कुछ तो जरूर मिल ही जाएगा। और 365 न्यूज के लिए विकास की रिपोर्ट।